खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से चल रहा किसानी अंदोलन दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन बन चुका है, जिस करके देशों विदेशों में बैठे पंजाबियों वालों भी किसानों को पूरा समर्थन से पूरी मदद दी जा रही है। पर हुण केंद्र सरकार वालों इस पर भी नज़र रखी जा रही है, जिस करके किसानों को बाहरों NRI वीरां वालों भेजे जाने वाले फंड की भी हुण जांच होने लगी है। इसे के तहत ही भारतीय किसान यूनियन के आगू सुखदीप सिंह कोकरी को मोगा दे विच बैंक मैनेजर वालों सद्या गया अते कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराने लई कहा गया है। बैंक मैनेजर ने कहा कि वह केंद्र के दिशा निर्देशों के हेठ ही अजिहा कर रहा है, पर एक गल साफ है कि किसानों बाहरों आ रहे फंड ते भी हुण केंद्र की पूरी नज़र है। हालांकि किसानों जो फंड आ रहा है वह दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के लोगों की मदद लिए ही वरत्या जा रहा है, पर इसके बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों किसी न किसी बहाने नाल तंग परेशान करने विच लगी हुई है। भारतीय किसान यूनियन के आगू सुखदेव सिंह कोकरी ने इस बारे खुल के जानकारी दी है। कोकरी साहब, फंडा नूं लैके बैंक वालों कोई ईमेल प्राप्त हुई है बैंक नूं, थोनू कोई नोटिस आया या की मसला सीगा, क्यों थोनू बुलाया गया? और ग्राहक साहब का भी एक बयान अज आया इस नूं लैके। हाँ जी, जिहड़े फंड किसान एजुटेशन की किसान अंदोलन की हमायत वास्ते आ रहे हैं NRI वालों भी तो भारत वासियों वालों भी, उहदे बारे च मैनू 18 दिसंबर ब्रांच मैनेजर कोकरी कलां पंजाब एंड सिंध बैंक ने बुला के मेल दिखाई सी भी सानू आ फॉरैक्स डिपार्टमेंट वालों मेल आई है भी तुसीं जिहड़े इह तुहानू NRI वालों आ रही है डोनेशन ये प्रॉपर परमिशन नाल नहीं आ रही, प्रॉपर वे नाल नहीं आ रही, इस करके इहदा तुसीं कोई हल करो नहीं तो ये पैसे वापस कर दिते जाणगे। असीं ये यतन किया, विच एतवार की छुट्टी आ गई, अज दोबारा ब्रांच मैनेजर साहब ने बुला के मैं दस्या भी तुसीं सानू उन्हां NRI की पासपोर्ट की फोटो कापी लै दिओ जिहदे च NRI का सबूत होवे, उन्हां दा पूरा एड्रैस होवे ते फोटो होवे, उहदे नाल सारा ये मसला हल हुंदा है। असीं आपे इहनूं रेगुलराइज़ करवा लांगे महकमे कोलों, बैंक वालों भेज के भी आ बंदे इहनूं भेजण वाले इस मकसद वास्ते भेजे, इन्हां ने किसान एजुटेशन की सपोर्ट वास्ते जिहड़ी पूरी दुनिया दे विच जिहदा पूरा जोर शोर नाल प्रचार भी हो रहा है ते बहुत वड्डी पद्धर ते उभरी हुई एजुटेशन ते किसान मोदी सरकार दे विरुद्ध बहुत रोस ते गुस्से दे विच लगातार अंदोलन कर रहे हैं पंजाब च जां हरियाणे च जां राज्यां च आपो अपने, वो तो 5-6 महीने हो चले अंदोलन चलदे नूं, 5 महीने दिल्ली दे विच भी महीना हो चलिया लगातार, जिहड़ा दिल्ली दे बार्डरां ते लखां दी तादाद दे विच किसान मर्द औरतां नौजवान बच्चे एडी वड्डी संख्या दे विच जिहनूं फ्रांस दे अखबारां ने लिखा भी दुनिया दा इह सब तो पहला एडा वड्डा अंदोलन अज ताईं नहीं दुनिया च होया, एडा वड्डा अंदोलन सब तो वड्डा अंदोलन इह दुनिया दा बन चुका है, उहदी हमायत दे विच इह पैसे आ रहे है NRI वालों भी ते भारत वासियों वालों। किन्नी मदद आई है? लगभग 6-7 लाख रुपए गया NRI वालों ते इन्ना की भारत वासियों वालों। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖਾਤੇ ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਦਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਪੀਲ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਗੋਂ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ने भेजने शुरू करते सी एजुटेशन देख के, जदों सानू लग्या भी खर्चे तो बहुत वड्डे हो रहे हैं, दिल्ली भी तकरीबन रोजाना दा आउण जाना है वह महीना हो चलिया, उदू पहला 60-70 थावां ते सीगा, फिर बाद च कुछ जिहड़े आह ठेकियां वाले सीगे पंप वगैरह वह छड्डण दे नाल कारण 40 थावां ते फिर भी साडी जथेबंदी वल्लों पूरे पंजाब च लगातार धरने चल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स अगे, टोल प्लाजा अगे, भारतीय जनता पार्टी के आगुओं के घर अगे, वो सारिया के रला के खर्चे जदों इन्ने वड्डे होण लग गए, असीं अपील जारी की सी, उस अपील के जवाब के भी काफ़ी हुंगारा मिलिया। सर, एक आपके पास सुखदेव सिंह कोकरी के नाम का अकाउंट है जो BKU एक तरह आगे है जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके खाते में कुछ पैसे हैं विदेश से, कितने पैसे हैं? 1 लाख से ऊपर कुछ अमाउंट आया। कब आई है अमाउंट? 2-3 दिन पहले आई थी। तो आपकी तरफ से कोई नोटिस भी दिया गया था इनको बुलाया गया था? नोटिस नहीं, ऐसा है ना कि जो फॉरेन से डोनेशन के रूप में जो भी पैसे आते हैं वो फकरा गाइडलाइन के अनुसार
गृह मंत्रालय से या तो परमिशन लेना होता है, और उसमें एक दो चीज़ और होती है कि जैसे जो सेंडर है वो NRI है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, या इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुका है, वो वेरीफाई करना होता है। मोगा तो बिट्टू पूर्वा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।